नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सत्तोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। सत्तोलॉजी मतलब सत्य का विज्ञान, सत्य की पढ़ाई। सत्तोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ ट्रूथ और स्टडी ऑफ ट्रूथ। अपोजिट ऑफ दैट इज मिथोलॉजी विच मीन्स साइंस और स्टडी ऑफ फेक लाइव और इमेजिनेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट सत्तोलॉजी वी टॉक अबाउट द होल वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया। दिस इज कॉमन मिसकनसेप्शन पीपल हैव बिकॉज माइथोलॉजी क्रिएटेड बाय द यूरोपियंस हैज डिस्ट्रॉयड द रियल आइडेंटिटी of every single human being on the planet. So when we talk about psychology, we are talking about the whole world. लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा जबरदस्त है, तेल। मैं इस्लामिक वर्जन से बात कर रहा हूँ कि अल्लाह की मेहर या अल्लाह की का कहर, वो है टॉपिक। और इसके you have to just don't go by the title, you have to go understand the historical reasons behind it. So without delay, let us welcome Professor Kusumlata Kedia. Namaskar. नमस्कार जी, नमस्कार। Actually, इस टाइटल में आपने सब कुछ समराइज कर दिया है। 73 से लेके आज तक जो भी आप जो भी हुआ है मिडिल ईस्ट में, चाहे भारत में हुआ हो, आपने यू हैव समराइज एवरीथिंग। एंड फॉर व्यूअर्स मैं बता दूं, ये टाइटल उन्होंने ही दिया है। ये मेरे दिमाग में आने वाला नहीं था ये टाइटल, बिकॉज वंस यू नो द टॉपिक यू नो द टाइटल। तो आज आप बताइए, आपने दो सीरीज वीडियोस किए हैं और दो वीडियोस में आपने इतिहास के इतने सारे पन्नों को खोला है इन्हीं के ऑथर्स से। आप लोगों ने कुछ जी भी अपना जी यूज नहीं किया है। सो आज की कहानी जो हम शुरू कर रहे हैं, तो फ्रॉम वेयर विल बिगिन विद? मैं तो शुरू करूंगी अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला इतने नाराज हो गए, इतने नाराज हो गए कि काफिरों को खबर भेज दिया। इन मुनाफिकीन से, इन मुशरिकों से अल्लाह ताला नाराज हो गए। वरना तेल तो सदा से था, धरती पर तो तेल था और धरती के भीतर नहीं था। तेल तो हरदम धरती से बाहर निकल ही रहा था, गैस भी निकल ही रहा था। इट वॉज कॉन्स्टेंटली ऊजिंग आउट। ये जो पुस्तक है मोटी है थोड़ी, अब इसमें तो शुरू से दिया हुआ है पूरा पोथा कहानी। हेरोडोटस उनका जो है ग्रीक कोई है, उसका लेखन में है। मतलब 2,500 साल से तो ये लोग लिख पड़ रहे हैं कि यहाँ तेल था, वहां तेल था, वैसे तेल था, वैसे तेल था। तो जब 19 सेंचुरी में तेल मिलने लग गया तो भाई बाकू से शुरुआत हुई थी तेल मिलने की। बाकू जो है ये अजरबैजान में बीच में सोवियत रशिया का पार्ट हो गया था, तो तेल तो वहां भी था, तेल बहुत जगह था। इस किताब को देख लीजिएगा, इस सबको हम आज छोड़ के चल रहे हैं। अमेरिका में जो ड्राइव टू वेस्ट था, जो कैलिफोर्नियन ने ये पैसिफिक कोस्ट की तरफ ये बढ़े तो सोने के लिए बढ़े और इनको ब्लैक सोना तेल मिला। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में अल्लाह ताला नहीं चाहते तो इन काफिरों को कुछ पता ही नहीं चलता और फिर भी इनका काम चल जाता। वो बाकू वाला जो रशियन तेल का पूरा क्षेत्र है उससे इनको पता चल जाता। ये बाकू दिखाइएगा। हाँ, अब देखिए जो अभी एम्बार्गो लगाया यूक्रेन वाली लड़ाई में अमेरिका ने, तो यही कहा ना कि रूस का तेल नहीं लेंगे। तो रूस के पास भी तेल है, वही तेल यूरोप जा रहा है। अमेरिका के पास बेहिसाब तेल है, बहुत जगह तेल। लेकिन यहाँ जब इन सबों ने तेल देखा, किसने? काफिर, इंग्लैंड वालों ने, फ्रांस वालों ने, बाद में अमेरिका वालों ने, सोवियत रूस वालों ने। तो इन्होंने क्या किया, इनका कीमा बना दिया। किसका कीमा बना दिया? मियां लोग का कीमा बना दिया। मियां लोग कहाँ थे? जिसको काफिर लोग ओटोमन एम्पायर कह रहे हैं, जो वस्तुतः तुर्कियों का एम्पायर है। ओटोमन उस्मान नाम का इनका एक शासक है। तो उस्मान को ओटोमन किस हिसाब से हुआ भाई? लेकिन ये सब तो कुछ भी करते थे। तो ये तुर्की लोग कौन है जो सेंट्रल एशिया से आकर बसे? सेंट्रल एशिया में तुर्किस्तान है। तुर्क कौन है?
हमारी जो कामधेनु की बेटी नंदिनी है वो वशिष्ठ महाराज के यहाँ रहती थी। विश्वामित्र महाराज उसको ले जाने का प्रयास किए तो उसने जो बहुत से सैनिकों को उत्पन्न किया, उसमें एक तुरस्क सैनिक थे, उसमें पहलव सैनिक थे, उसमें बड़े सारे सैनिक थे। तो ये सनातन धर्मी तुरस्क व्यापार के लिए और पशुपालन के लिए सारे चरागाहों में घूम रहे हैं। घूमते घूमते ये आकर यहाँ भी बसे हैं, जिसको अब टर्की कह रहे हैं। तो ये 18वीं शताब्दी में ये पूरा क्षेत्र जो क्या है, काफिरों के अनुसार, इंग्लैंड और फ्रांस वालों के अनुसार, ये ओटोमन एम्पायर है, ये तुरुस्कों का एम्पायर है। तो इन सबों ने क्या कहा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इन तुरुस्क, इन ओटोमन वालों को, कि भाई तुम जर्मनी से दोस्ती मत करो, तुम हमारे ही साथ बने रहो। तो उधर जर्मनी इन लोगों की काफी मदद कर रहा है, ओटोमन लोगों की, तुरुस्कों की, जो मियां कन्वर्ट हो चुके हैं लेकिन अपना तौर तरीका नहीं छोड़ते, क्योंकि कन्वर्ट हुए हैं तो घर का भी चाहते हैं, घाट का भी चाहते हैं। अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं इनको, ना घर का छोड़ते हैं ना घाट का छोड़ते हैं। तो ये काफिर सब क्या कहते हैं, देखो रे अरब वालों, तुमको हम इन तुर्कियों की गुलामी से मुक्त करेंगे। भारत के मीडिया वालों को तो पता ही नहीं होगा कि अरब वाले तुर्कियों के गुलाम हैं। इनको ये भी नहीं पता है कि अरब वाले पारसियों के गुलाम हैं। कब से गुलाम है, 750 से गुलाम है। और पैगंबर साहब कब अल्लाह ताला को जन्नत नसीन हुए हैं, वो 632 में, यानी 125 साल के भीतर से इस्लाम की कौम, अरब की कौम किसकी गुलाम है, पहले पारसियों की गुलाम है, फिर तुर्कियों की गुलाम है। अब इन लोग को बड़ी दया आ गई, किसको, फ्रांस वालों को और इंग्लैंड वालों को। और इन्होंने कहा, जी सुनो रे अरबी लोग, तुम लोग असली उम्मा हो, तुम लोग असली पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी हो, ये तुर्कियों की गुलामी में क्यों हो, हम तुमको आजाद करेंगे। और हम तुमको आजाद करेंगे इसके बदले में तुम ये करो। असली बात क्या थी, तेल का कुआं, जो इनको पता चल गया था। तो 1916 में, 1916 में एक पैक्ट होता है। पैक्ट किसका होता है, जॉर्ज पिकॉट और सर मार्क साइकस, जिसको साइकस पिकॉट या पाइकॉट एकॉर्ड 1916 का बताते हैं। 1916 में, 1914 में लड़ाई शुरू हो गई है जर्मनी की इंग्लैंड फ्रांस से, और बाद में रशिया से भी। तो 1916 में ये एक सीक्रेट संधि करते हैं, एक इंग्लैंड का है एक फ्रांस का है। क्या सीक्रेट संधि करता है, सीक्रेट संधि करता है कि इजराइल का स्टेट खड़ा करना है एक, और ओटोमन एम्पायर को नन्हे नन्हे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है। इस और ये जो ट्रीटी है ये गुप्त है, मैं इस पुस्तक से अभी आपको पढ़ के सुना रही हूँ। ये आपको 20-30 पुस्तकों में मिल जाएगा। इस पुस्तक की खासियत ये है, ये 4 लाइन, 4 पन्ने में मोटी मोटी हर बात आ गई है। तो जब इस एग्रीमेंट का 1917 के बाद लेनिन और ये बोल्शेविकों को पता चलता है, हाँ, इट वॉज इन 1970 दैट द बोल्शेविक कम्युनिस्ट लेड बाई व्लादिमीर लेनिन फाउंड अ कॉपी ऑफ द साइकस पिकॉट एग्रीमेंट इन गवर्नमेंट आर्काइव्स। कहाँ का गवर्नमेंट, यूएसएसआर का गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि जार की भी सहमति थी, रूस वाले जार की, कम्युनिस्टों के हाथ वहीं पर ये कागज लगा। लेनिन कॉल्ड द ट्रीटी द एग्रीमेंट ऑफ कोलोनियल थीव्स, फ्रांस और इंग्लैंड के चोटों का संधि है, टू इंश्योर द बर्थ ऑफ ए जूइस स्टेट इजराइल इन द हार्ट ऑफ पैलेस्टीन बाई ब्रिटेन
which paved the way for achieving that mentioned Balfour Declaration on 2 नवंबर 1917। पिछले एपिसोड में, जो कि दूसरा एपिसोड था इसराइल गले की फांस, मैंने बता चुकी हूँ कि इन्होंने यहूदियों से कहा, भाई ये जर्मनी के खिलाफ हमारी मदद कर दो, हम तुमको तुम्हारे होमलैंड में पहुंचा देंगे। अब द रीजंस वेल्थ, पर्टिकुलरली ऑयल रिसोर्सेज, वॉज लूटेड एंड कंट्रोल्ड बाई द कोलोनियल पावर्स। तो इन लोगों ने ये जो 1916 में तय किया, उसके बाद 19 हिस्से में अरब नेशन को बांट दिया। नेशन अलग है, स्टेट अलग है, दोनों परिभाषा किसकी है? इन काफिर फ्रांस और इंग्लैंड वालों की है। नेशन क्या है, जिसका लूज ट्रांसलेशन ये राष्ट्र करते हैं, एक प्रकार के लोग, वन पीपल विद वन लैंग्वेज, विद वन कल्चर, विद वन रिलीजन, विद वन हिस्ट्री। तो अरब लोगों को ओटोमन एम्पायर में, तुर्कियों की गुलामी में ये एक थे, काफिरों ने इनको 19 हिस्से में बांट दिया। अब 19 हिस्सा हम गिने, हमको तो 15 गिन पाए, फटाफट आपको गिना रहे हैं। यमन 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 दो है, ओमान ओमान दो है, फिर सात हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जिसको फिलहाल मैं एक ही गिन रही हूँ, पांच है, फिर है कुवैत, छह है, फिर ईरान इराक टर्की, नौ हो गया, फिर सीरिया लेबनान जोर्डन, सीरिया लेबनान जोर्डन अरब और पैलेस्टीन, 14 हो गए, पांच मेरे से छूट रहा है, ये शायद अजरबैजान या जो भी होगा। तो 19 टुकड़े। हाँ, तो ये कह रहा है, ड्रॉइंग अ ब्लडी मैप दैट डिवाइडेड द अरब वर्ल्ड इनटू 19 स्मॉल स्टेट्स। डट 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 थे ही थोड़े से आदमी, और इन थोड़े से आदमियों को 19 स्टेट में बांट दिया। ये स्टेट आपस में हर समय लड़ते हैं, हर समय मारकाट करते हैं, इनकी एक दूसरे से रक्षा के लिए कहीं पाकिस्तान के लोग आते हैं, कहीं यूनाइटेड स्टेट्स के लोग आते हैं, कहीं कोई आता है, कहीं कोई आता है। इस पूरी कहानी जल्दी जल्दी पढ़ के सुनाएंगे। अरब वर्ल्ड इनटू 19 स्मॉल स्टेट्स टू कीप इट अंडर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, टू कीप इट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द काफिर्स एंड डिनाई द अरब नेशन एनी फ्यूचर यूनिटी। ये कब की बात है, 1916 की। हम लोग कहाँ बैठे हैं, 1924 में। मैंने अपने इसी सीरीज का ये तीसरा भाषण है, पहले भाषण में पढ़ के सुनाया था कि इनका तो हवाई जहाज, इनका एयरपोर्ट, इनका पानी वाला पोर्ट, इनका इंटेलिजेंस, इनका डिफेंस, इनका बैंकिंग इजराइल संभाल। नौबत 110 साल में यहाँ पर आ गई है। अब सुनिए, तेल के लिए इन्होंने इनको केवल किसको, इनको मतलब पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को नहीं, इनको अरब वालों को। अभी मलेशिया तो अलग है, इंडोनेशिया तो अलग है, मोरक्को अलग है, ट्यूनिशिया अलग है, इजिप्ट को भी शायद ये 19 में ही मानते हैं। हाँ, 19 में ही मानते। अभी ये पांचों आज जो है, पांचों, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये अलग है, अफगानिस्तान अलग है, पाकिस्तान अलग है, बांग्लादेश अलग है। ये जो इत्ती बित्ती से थे, इनको 19 टुकड़े में बांट दिया, डॉट 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 डॉट। आप कहेंगे जी डॉट डॉट तो नहीं है, सऊदी अरेबिया तो बहुत बड़ा है। हाँ जी, बहुत बड़ा है, लेकिन क्या है, रब अल खाली। तो इसके बाद अगला जो आपने कभी नहीं सुना होगा, ये जो ब्रिटेन महोदय हैं, इन्होंने 1918 में मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन इजिप्ट में शुरू करने में सपोर्ट किया। ये क्या है, एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। टेरर ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटेन ने क्यों शुरू किया?
अल्लाह ताला ने प्रेरणा दिया काफिर को, इन मुनाफिकों, इन मिश्रिकों को, कट 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 कट। टेरर इज नेवर एबल टू ऑपरेट विदाउट स्टेट फंडिंग एंड स्टेट प्रोटेक्शन। टेररिज्म इज ऑलवेज नरिश्ड नर्चर्ड प्रोटेक्टेड फंडेड बाई स्टेट। कहां पर? सीक्रेटली, ऑब्वियसली सीक्रेटली, एंड देन अ फाइट विल बी डन टू कंडेम टेररिज्म, टू कंटेन का टेररिज्म, टू ऑल ऑल वॉर आउट अगेंस्ट टेररिज्म। तो ये क्या कह रहा है? द साइकस पाइकट एकॉर्ड पिकॉट एकॉर्ड ड्रू द ब्लडी बॉर्डर्स 19 एंड ब्रिटेन सपोर्टेड द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन इन इजिप्ट इन 1918। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। टू किल द सेक्युलर पैन अरब मूवमेंट। और हम लोगों को बाबू लोग क्या समझाते हैं कि टेररिज्म इस्लामिक दुनिया को यूनिटी में बांधता है। इसको खड़ा ही किया गया टुकड़े टुकड़े में बांटने के लिए, तेल पर पूरा कंट्रोल रखने के लिए। तेल का पूरा मामला पढ़ना हो तो ये बहुत मोटी किताब है, इसमें बहुत मसाला है, अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो ये जो मूल है मुस्लिम ब्रदरहुड, टू किल द सेक्युलर पैन अरब मूवमेंट क्रिएट रिलीजियस डिस्प्यूट्स। टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म डजंट यूनाइट, इट क्रिएट्स रिलीजियस डिस्प्यूट्स एंड इंट्रोड्यूस पॉलिटिकल इस्लाम। आजकल आप लोग चारों तरफ पॉलिटिकल इस्लाम, पॉलिटिकल इस्लाम, पॉलिटिकल इस्लाम सुन रहे हैं। मैं बड़ा चकराती थी, कुरान में पॉलिटिक्स इज कॉन्सिपिकुअस बाय इट्स एब्सेंस, थी पॉलिटिकल इस्लाम वाला कहाँ से आया? ये आया काफिर ब्रिटेन, काफिर फ्रांस की खोपड़ी से, जो है नहीं उसको क्रिएट करो। माइथोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम एंड इंट्रोड्यूस पॉलिटिकल इस्लाम वाइल सपोर्टिंग माइनॉरिटीज एंड सेशनिस्ट मूवमेंट्स विच टर्न्ड इनटू टेररिस्ट ग्रुप्स इन मोस्ट ऑफ द अरब कंट्रीज। ये मैंने दूसरे वाले में या पहले भाषण में, दोनों में थोड़ा सा बताया था कि इन्होंने क्या किया, एक नेशन को चार स्टेट में बांट दिया, एक नेशन एक स्टेट में दो तीन एथनिसिटी डाल दी। क्यों? कॉन्स्टेंटली लड़ते रहो, और उसका जो मुखिया बनाया उस स्टेट का, वो माइनॉरिटी का बनाया, यानी मेजॉरिटी उसके खिलाफ है। क्यों? ऑयल पर कंट्रोल चाहिए। ऑयल पर कंट्रोल मतलब उसकी सप्लाई पर, उसके डिमांड पर, उसके प्राइसिंग पर, उसके प्रोसेसिंग पर, उसका जो पूरा जो पैराफर्नेलिया है उस पर कंट्रोल किसको चाहिए? इंग्लैंड को, फ्रांस को। 1945 के बाद जब कंगाल हो गए तो यूएसए को और यूएसएसआर को चाहिए। तो अब ये क्या कर रहे हैं? ये जितना टेररिस्ट मूवमेंट है, नेशनलिटी के नाम पर कभी कुर्दों की सहायता करते हैं, कभी ये वहाबी की सहायता करते हैं, कभी ये कुवैत की सहायता करते हैं, कभी ये इराक की सहायता करते हैं, कभी ये ईरान की सहायता करते हैं, सब अभी मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। ये सारा सहायता क्यों है? अपना माल बेचो। कौन सा माल? आर्मामेंट का माल। और फिर जब तोड़ताड़ सब बराबर हो जाए तो रिकंस्ट्रक्शन का माल, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे हम, ह्यूमनिस्ट एड देंगे। जितना कचरा इकट्ठा किया है कहाँ पर? यूरोप में और अमेरिका में, सब यहाँ सप्लाई कर दो। तो जो मैंने बताया, मेनी लीडर्स वर इंस्टॉल्ड अगेंस्ट द विल ऑफ द मासेज। जो रूलर थे वो कौन थे? उनका उस जगह से कोई लेना ही देना नहीं। एक मैंने आपको बताया था, मक्का का मुल्ला मौलवी था हुसैन। हुसैन अंग्रेजों की बात नहीं माना, तो दो बेटे थे,
एक था अब्दुल्ला और एक अब्दुल्ला है, एक फैजल था। दोनों से कहा बाप को भगाओ, बाप को भगा दिया। फैजल को कहा तू इराक का राजा बन जा। इराक का राजा बनने पर फैजल को 5 महीने के अंदर इराक छोड़ के भागना पड़ा। एक मिनट रुकिए, सीरिया का राजा बनाया पहले फैजल को, और 5 महीने के अंदर फैजल महोदय को सीरिया छोड़ के भागना पड़ा। और दूसरा उसका जो भाई अब्दुल्ला था उसको बनाया ट्रांस जॉर्डन का। कौन है भाई ये लोग? ये लोग मुल्ला मौलवी के दो बेटे, बाप को भगाने के एवज में। क्या जाने स्टेट क्या है ये, क्या जाने स्टेट क्राफ्ट क्या है ये, क्या जाने पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आर्मी क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, उनको कुछ ABCD नहीं पता। तो ऐसे को लाके क्यों बैठाया? वो भी 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ तो स्टेट क्राफ्ट आ ही चुका है ना। इसीलिए जो अल्लाह ताला ने तेल का कुआं दिया है, लगातार यहाँ घालमेल बना रहे, हमारा कंट्रोल बना रहे। अब जब फैजल छोड़ के भागा तो उसका भाई, ये पुस्तक मिडिल ईस्ट, ये सब जगह है। मेरे हाथ में जो किताब है उससे बता रहे हैं, ये आप लोग को 500 जगह लिखा हुआ मिलेगा। अब इसके भाई ने गुस्से में आके मक्का में एक कुछ झंझट शुरू किया, तो अंग्रेजों ने तुरंत कहा अरे तू हल्ला मत कर, तेरे को भी राजा बनाते हैं। तुरंत एक नया स्टेट बना दिया ट्रांस जॉर्डन, और ट्रांस जॉर्डन का राजा बना दिया अब्दुल्ला। बाद में ट्रांस गायब हो गया, जॉर्डन बच गया। तो राजा का उस जगह से कोई लेना देना नहीं था। लेना देना था तेल का कुआं, तेल के कुएं का शासक, एक ऐसा व्यक्ति जिसका उस क्षेत्र से कोई लगाव नहीं है। तो उसकी बला से कितना तेल है, कौन ले जा रहा है, किस दाम में ले जा रहा है, क्या कर रहा है, कितना पोल्यूशन का नाश कर रहा है, पोल्यूशन करके एनवायरनमेंट का। तेल निकालने और तेल के प्रोसेस में कितने बाहर के लोग, नॉन अरबी लोग आ रहे हैं, और ये हम बताएंगे 2024 से 2029 में। सब आउट, कारण अरब लोग, वहां के मूल लोग माइनॉरिटी में आने वाले हैं, आ गए हैं, माइनॉरिटी में तो आ ही गए हैं, इनको निकाल के भी ये बाहर कर रहे हैं। आज ही मैं प्रयास करके ये पूरी बात बता दूंगी। तो अब हाँ, अब सोवियत रशिया आ गया, यूएसए आ गया 1945 के बाद, तो बाइपोलर वर्ल्ड हो गया। ये सारी भाषा उनकी है, इसका हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, कोई बाइपोलर वर्ल्ड नहीं है, लेकिन फिलहाल हम उनकी भाषा में बात कर रहे हैं। तो कुछ पर डोरा डाल रहा है सोवियत रूस, कुछ पर डोरा डाल रहा है अमेरिका, कम्युनिज्म जिस पर डोरा डाल रहा है, जिसके सिर पे हाथ फेर रहा है उसका तो नाश होना तय है। अमेरिका जिसके सिर पे हाथ डालता है उसको पाल पोस के बड़ा करता है, बाद में हलाल करके खाने के लिए। अब एक तो इन लोगों ने मुस्लिम ब्रदरहुड खड़ा किया, दूसरा अंग्रेजों ने, इंग्लैंड वालों ने अरब लीग भी खड़ा किया। अब हम लोग सोचेंगे कि अरब लीग तो अरबों के यूनिटी का मामला है। अरब लीग वॉज क्रिएटेड एंड सपोर्टेड बाय ब्रिटेन टू फर्दर प्रिवेंट द अरब पीपल फ्रॉम बिकमिंग द अ होमोजेनियस सोसाइटी एक्सटेंडिंग फ्रॉम मॉरिशिनिया टू कतर। अब ये लेखक महोदय कौन है जो इस लेख को लिख रहे हैं, 4-5 पन्ने का लेख है। ये सज्जन जो है ये अल अरेबिया टीवी चैनल जो दुबई से चलता है उसके कुछ ब्यूरो चीफ है किसी इलाके के, और ये कुवैत, ओमान और दमस्कस रेडियो पर
एनालिस्ट है और रेडियो करेस्पोंडेंट है, और इनकी बहुत सी राइटिंग अरेबिक भाषा में छपती। तो ये कौन हुए? ये अरेबिक दुनिया के इनसाइडर हुए, जिनका मैं लेखन पढ़ के सुना रही हूँ। इनका एक लेख है इस पुस्तक में, वेस्ट एशिया एंड सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस एंड अरब पर्सपेक्टिव। लेखक का नाम है वेल अवध, WAIEL, वेल मैं पढ़ रही हूँ, अवाद AWWAD। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो अंग्रेजी अल्फाबेट है ABCDE, ये 26 है और ये सभी स्वरों को अभिव्यक्त ना करता है, और एक ही स्वर को अभिव्यक्त करने के लिए इनके पास कई कई अक्षर हैं, तो इसलिए इनका उच्चारण एक कभी नहीं रहता है, सभी उच्चारण इनके यहाँ चलता है। तो अब एक और कहानी। अच्छा, पहले वो कहानी मैं ठीक से सुना दूं, जो इजराइल वाली कहानी मैंने सुनाया। पहली लड़ाई 48 में, दूसरी लड़ाई 67 में, और तीसरी लड़ाई 73 में। 73 की लड़ाई में मार खा के जब इनको इम्पोटेंसी का अनुभव होने लग गया, तब इन्होंने तेल की कीमत को खटाखट बढ़ाना शुरू किया, चौथी गुना किया, चौगुना किया, 6 गुना किया, 8 गुना किया, ऑयल के दाम को बढ़ाते चले गए। OIC, OIC नहीं, अंकटाड नहीं, ओपेक जो इनका एक ग्रुप बना ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का, वो इनका अपना छोटा सा ग्रुप था। तो क्या हुआ, तेल के दाम बढ़ाने को इन्होंने अपने इम्पोटेंसी को छिपाना और यूरो अमेरिकन ब्लॉक को दबाने का बहुत मजबूत हथियार माना। कब? 73 के बाद। अभी क्या है, 23 तुरंत बीता है, यानी करीब 50 साल, 73 से 23, करीब 50 साल के अंदर क्या हुआ, 50 साल के अंदर ये हुआ, तेल के दाम बढ़ने से यूरोप अमेरिका में हाहाकार मचा, इनके खिलाफ भयंकर गुस्सा पैदा हुआ, और जो यूरो डॉलर, जो पेट्रो डॉलर इनको मिला, वो जो डॉलर इनको मिला वो पेट्रो डॉलर के रूप में यूरो अमेरिकन बैंक्स में जमा हुआ, वो फायदा भी ले गए। कारण इनके हुसैन, इनका हुसैन नहीं, वो पहला आदमी का क्या नाम है, इनके फैजल और इनके अब्दुल्ला को, इनके किसी शाह रजा पहलवी को, जो कौन है, तीन चार नाम मुझे याद है, वो कौन है, वो है ईरानी सेना में कोई एक कर्नल है, इनका जो सऊदी अरेबिया में जो सऊद इब्न बिन सऊद है, इन लोगों को पता नहीं है तेल का करना क्या, इनको पता नहीं है पैसे का करना क्या, इनको पता नहीं है बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंटरनेशनल लेन देन में क्या घालमेल है, ये पूरी तरह इस मामले से अनभिज्ञ हैं। तो ये सब पैसा भी वहां गया, और यही पैसा सॉफ्ट लोन में 74, 75, 76, 80 में डेवलपिंग कंट्रीज में बटा है। इसी पैसे से इनकी आर्मामेंट फंडिंग हुई, और आर्मामेंट फंडिंग से या एक्सपोर्ट से नफा किसको हुआ, यूरोप और अमेरिका को, थोड़ा सा सोवियत रूस को भी नफा हुआ। इसी पेट्रो डॉलर से दुबई बन के खड़ा हुआ, दोहा बन के खड़ा हुआ, रियाद बन के खड़ा हुआ, कुवैत और बगदाद बन के खड़ा हुआ, तेहरान बन के खड़ा हुआ। फायदा किसको हुआ, यूरोप और अमेरिका के कंस्ट्रक्शन और सिटी डेवलपमेंट सेगमेंट को, इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ। तो इसके बाद 79 वाला जो मामला है, 79 क्या है, सोवियत रशिया आके चढ़ जाता है अफगानिस्तान पर, इंडियन ओशन में एंट्री लेने के लिए, अमेरिका को रोकना है, वियतनाम का अनुभव है, तो इस बार अमेरिकन बूट्स नहीं उतरते हैं, इस बार इस पूरे क्षेत्र के लोगों को, वो मुजाहिद नहीं अभी आएगा क्या, तालिबान बनाकर, मुजाहिद बनाकर रूस से लड़ाते हैं।
रूस 89 में सोवियत रूस लौट जाता है और 90 में डिसइंटेग्रेट हो जाता है। तो ये जो बचे हुए थे, इन बचे हुए को अभी आगे हम बताएंगे, इनको भेज दिया गया बहुत सारे। हाँ, When the collapse of the Soviet Union happened after their withdrawal from Afghanistan, most of the Arab jihadis were sent to their respective countries to create small cells to destabilize the regimes. किसने भेजा? उसी ने जिसने खड़ा किया था। किसने खड़ा किया था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। ट्रेनिंग किसने दी थी? पाकिस्तान के ISI ने, सऊदी अरेबिया ने। इन्हीं लोगों ने कहा जाओ अपने अपने देश में जाओ और अपने इस्टेब्लिश्ड फर्जी स्टेट एपरेटस के खिलाफ उत्पात शुरू करो। इसी में आपको नाम याद होगा, ओसामा बिन लादेन। इसको चर्बी ज्यादा चढ़ी तो ये जाकर 73 से 2001, करीब 27 साल के अंदर, 73 भी क्यों, 79 में ये लौटा है। तो यानी 10-12 साल के अंदर ये ट्विन टावर को ध्वस्त करता है। और ट्विन टावर को ध्वस्त करने का रिजल्ट क्या होता है? द अरब वर्ल्ड पेड द प्राइस आफ्टर द अटैक ऑन द ट्विन टावर्स एंड रिमेन्स एट द रिसीविंग एंड ऑफ फर्दर डिवीजन बेस्ड ऑन एथनिक एंड रिलीजियस लाइन्स एंड एंश्योर्स दैट द अरब गल्फ विल कंटिन्यू टू बी द मेन डंपिंग मार्केट फॉर अमेरिकन गुड्स एंड वेपन्स। केवल गुड्स एंड वेपन्स नहीं, डिप्लोमेसी, कैंप डेविड एकॉर्ड, ये तो पहले हो गया था, अभी हाल वाला अब्राहम एकॉर्ड। इसराइल पूरे क्षेत्र में फैल रहा है वो पुस्तक। हाँ, ये जो पुस्तक है लूम ऑफ टाइम रॉबर्ट कैपलान की, ये पूरी पुस्तक बात कर रही है कि डेमोक्रेसी तो साहब बड़ी फिजूल सी चीज है, असली चीज तो एम्पायर है, असली चीज तो किंगडम। मैं बड़े चक्कर में थी कि अचानक अमेरिकन्स को डेमोक्रेसी एक फालतू चीज और एम्पायर एक बढ़िया चीज लगी। आज बात साफ हुआ, ये छोटे छोटे जो 19 नेशन स्टेट है इनको भी अब जाना है। यहाँ आना किसको है? ग्रेटर इज़राइल। ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं सुन रहा हूँ। प्लीज अच्छा, तो मैं अपने तेल वाली बात को आगे ले चलती हूँ। प्लीज अब इनका कमाल देखिए, ये क्या कह रहे हैं? कौन? जॉर्ज बुश। कब? वो वही ट्विन टावर के बाद। क्या? फाइनल वॉर अगेंस्ट टेरर, इस्लामिक टेरर, जिहादी टेरर, खत्म कर देना है। जो हमारे साथ है वो हमारे साथ है, जो हमारे साथ नहीं है हमारे खिलाफ है। लफाजी की इंतहा। असलियत क्या है? वहां वाले सबको भेजा, चारों तरफ जाओ और उत्पात करो। पेज 82, इसी पुस्तक का पेज 82। इट अराइजेस फ्रॉम द मोटिवेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्टर्स, एथनिक रिलीजियस ग्रुप्स, द कुड्स एंड द मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट एंड दियर अफिलिएट टेररिस्ट ग्रुप्स चैलेंजिंग द नेशनलिस्ट फोर्सेज। ये टेररिस्ट ग्रुप अपने ही भीतर के जो स्टेट का जो फोर्स है उसको चैलेंज करते हैं। द फॉर्मर एम टू फोर्स दियर ओन पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट बाई आर्म्ड स्ट्रगल बाई रीजनल एंड इंटरनेशनल एक्टर्स। कौन? USA, EU, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, टर्की, सऊदी अरेबिया, कतर एंड दियर एलाइज एंड पार्टनर्स इन अ बिड टू चेंज गवर्नमेंट्स बाय फोर्स इन ऑर्डर टू इनहेंस द US हेजेमनी ऑन वन हैंड। टेररिज्म किसका टूल है?
यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी का टूल है। आगे कथा सुनिए। द लेटर नेशनलिस्ट फोर्सेस, जिनको ये टेररिस्ट ग्रुप चैलेंज कर रहे हैं, वो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, स्टेट फोर्सेस हैं। द लेटर नेशनलिस्ट फोर्सेस आर बैक बाय रशिया, चाइना, ईरान टू मेंटेन स्टेट सॉवरेनिटी। कैसी स्टेट सॉवरेनिटी? फर्जी, आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी स्टेट्स क्रिएटेड बाय इंग्लैंड एंड फ्रांस एंड रेस्टोर द रोल ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड पावर बैलेंस टू वर्ल्ड ऑर्डर। क्यों भाई, रशिया को और चाइना को क्या है, क्यों मदद कर रहा है? सेम मोटिव जो यूनाइटेड स्टेट्स का मोटिव है, कंट्रोल ऑन ऑयल। अब नया देखिए एंट्री हो गया चाइना का। चाइना को खड़ा किसने किया? यूएसए ने। क्यों खड़ा किया? सोवियत रशिया के कम्युनिज्म को कॉम्बैट करने के लिए। अब ये चाइना फैल रहा है, इतना परसेंट ग्रोथ रेट, उतना परसेंट ग्रोथ रेट, तो उस ग्रोथ रेट के लिए फ्यूल चाहिए, ऑयल चाहिए, तो चाइना का हाथ है। आपको ध्यान होगा अभी अक्टूबर में हमास गाजा पट्टी जो हुआ है, तो वो अंदर की सुरंगों में नाटे, नटुल्ले, गोल गोल चीनी चेहरे दिखे। चीन का यहाँ आप लोगों ने और पढ़ा होगा, दिबूती और कहाँ कहाँ चीन ने अपने रोड एंड बेल्ट क्या बोला है, बेल्ट इनिशिएटिव ने कहाँ कहाँ कंट्रोल किया है। तो ये सब घुसाए हैं। अल्लाह ताला का कहर देखिए, कैरम बोर्ड की तरह गोटी मारा, कहाँ 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 निशाना लग रहा। चाइना का एंट्री तेल के लिए, वॉट इज हैपनिंग इन मेसोपोटामिया? मेसोपोटामिया क्या हुआ? दजला फरात के बीच का जगह, आज का इराक। मेसोपोटामिया इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ दीज फोर्सेस। विच फोर्सेस? यूएसए, ईयू, इजराइल, सोवियत रसा, चाइना, सारे काफिर आकर बैठ गए इनकी गर्दन पर। क्यों? टू डिस्ट्रॉय दिस सिविलाइजेशन, द ग्रेट वॉर फॉर सिविलाइजेशन। इसको सिविलाइजेशन किस कोने से कहते हो जी? लेकिन कहते हो तो कहो। टू डिस्ट्रॉय दिस सिविलाइजेशन, एक्सपेल द नेचुरल इनहेबिटेंट्स, जो वहां के रहने वाले हैं उनको डिस्पर्स कर दो, एंड इंट्रोड्यूस पॉलिटिकल इस्लाम। ये बहुत खास बात है, कभी बाद में इस पूरे पॉलिटिकल इस्लाम पर मैं एक भाषण देना चाहूंगी। टेररिज्म, रेडिकलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म इनटू द रीजन एंड हेंस मेक इट अ फेल्ड स्टेट, नॉट ओनली अ फेल्ड स्टेट, अ रोग स्टेट, टू फैसिलिटेट फॉरेन इंटरवेंशन एंड फर्दर डिसइंटीग्रेशन। अभी काफी समय है। आदित्य जी कुछ कहेंगे इस खेल पर? आप कई बार कहते थे अमेरिका डरा हुआ है, अमेरिका डरा हुआ है। डरा हुआ का ड्रामा ड्रामा देखो, देखो ये कितनी बदमाश है। देखो देखो, जर्मनी और फ्रांस ने इनको शरण दिया, ये उनकी स्त्रियों का सड़क पर बलात्कार कर रहे हैं। ये कौन है अमेरिका? वही चर्च वाला। फ्रांस और जर्मनी, वही चर्च वाला। गोरी स्त्री का बलात्कार तो उनका धंधा है ना, तो ये किया कि वो किया, उनकी बला से काम चलते रहना चाहिए। ठीक है, याद है आपके पास साथ जो मेरा दूसरा भाषण था, कौन डरा हुआ है? ये डरे हुओं का खेल है। आई विल टेल द व्यूअर्स कि पूरा प्लेलिस्ट देखें कुसुम तकेडिया जी का, और उसमें सीरीज में आपको इनके सारे लेक्चर्स मिलेंगे शुरू से लेके आखिर तक। और सेम चीज आप अगर आप देखेंगे तो सारे लेक्चर्स एक सीरीज में चल रहे हैं, सो यू कैन सी द टाइम स्टैम्प एंड वॉच द वीडियो। हाँ, कोई जी डरा हुआ नहीं है। हाँ, कोई हाँ।
नहीं तो खेल चल रहे हैं। अब ये बात दूसरा है कि ये भगवान से भी नहीं डरते हैं, श्री हरि विष्णु से नहीं डरते हैं, मधु कैटम नहीं डरते थे, तो भगवान उनको अपने में समाहित कर लेते हैं। इन सबको भगवान बटोर के अपने में समाहित कर लेंगे। जल्दी आ रही हूं मैं उस पर, बहुत जल्दी जल्दी। अब सुनिए, इसके बाद एक घटना और घट गई। कोविड 19। अब ये कोविड 19 क्या है? वो शी जिनपिंग कहाँ का? चाइना वाला। आप कहेंगे साहब बात तो हो रही है तेल की, अब तेल में कोविड कहाँ से घुस गया? कोविड घुसा भाई तेल पर कंट्रोल करने के लिए, अमेरिका यूरोपियन यूनियन से लड़ने के लिए। शी जिनपिंग की खोपड़ी में आया कि मैं वायरस छोड़ देता हूँ, वायरस छोड़ने से इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी, मेरा वायरस कंट्रोल में रहेगा, मैं कब्जा कर लूंगा। लेकिन अब अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला बिगड़े हुए हैं ही हैं। तो कोविड 19 के कारण क्या हुआ? द सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न अरब स्टेट्स स्टार्टेड विद द इन्वेजन ऑफ इराक 93, और उसके पहले 90 में कुवैत वाला मामला, एंड टुक अ बिग लीप ड्यूरिंग द अरब स्प्रिंग। अब हम लोग को तो ये बताया गया था, अभी कोविड पर आ रही हूँ, अगला वाक्य है कोविड, कि अरब स्प्रिंग जो हुआ था, महान क्रांतिकारी आंदोलन इस्लामिक दुनिया में डेमोक्रेसी के पक्ष में, भैया हम लोग को तो पता ही नहीं था अरब स्प्रिंग भी इनको तोड़ने फोड़ने के लिए था। और अरब स्प्रिंग के बाद आईएस आ गया, और जो मजबूत फर्जी स्टेट के फर्जी हेड ऑफ स्टेट थे, लेकिन मजबूत थे, जो यूरोप अमेरिका से टकरा रहे थे, सबका तख्ता पलट, सबका गर्दन काट, अरब स्प्रिंग। तो द कोविड 19 पैंडेमिक एग्जाबरेटेड द क्राइसिस। अरब स्प्रिंग से अभी मुक्ति मिली नहीं तो आ गया कोविड 19। आया नहीं, भेजा। किसने भेजा? कम्युनिस्ट शी जिनपिंग ने। एग्जाबरेटेड द क्राइसिस एंड लेड टू एन इकोनॉमिक डिक्लाइन, मोर इन्फ्लेशन, मोर अनएम्प्लॉयमेंट कपल्ड विद बैड गवर्नेंस एंड करप्शन। हम लोग को तो कोई बताता ही नहीं है कि साहब इन देशों में कोई अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। हमको तो कोई बताता ही नहीं है कि यहाँ हेल्थ का भी इशू है। हमको कोई नहीं बताता है, पानी पीने का जुगाड़ नहीं है, भरपेट खाने का जुगाड़ नहीं। किसको? मियां लोग को। कहाँ कहाँ? इराक में, ईरान में, सऊदी अरेबिया में, सीरिया में, लेबनान में, आजकल यमन में। कारण कांस्टेंट वॉयलेशन, कांस्टेंट वॉर, कांस्टेंट डिस्ट्रक्शन। ये क्या बोलते हैं, ये वाला सैंक्शन, वो वाला सैंक्शन, वो वाला सैंक्शन। बच्चे मर जाते हैं मेल न्यूट्रिशन से, स्त्रियां मर जाती हैं मेल न्यूट्रिशन से, बूढ़े मर जाते हैं मेल न्यूट्रिशन से, कितने लाखों लाखों लाखों। हमको नहीं बताया गया, हम लोग को क्या बताया जाता है? ऑयल का इतना पैसा, गाल लाल, क्या धनी धनी देश, क्या गोरी गोरी मियां स्त्रियां। लेकिन ये तो ये बता रहा है जी, और ये सारी खबर भी अखबार में है, लेकिन जो इमेज है दुबई दोहा, उस पर सब आएंगे कभी, और आज नहीं। तो अरब स्प्रिंग डिस्टेबलाइज दियर इकॉनमी, इट इन्फ्लेटेड इन्फ्लेशन, इट क्रिएटेड मास माइग्रेशन, इट क्रिएटेड मास रिफ्यूजी प्रॉब्लम, इट क्रिएटेड मास रेप। और रेप केवल यहाँ स्त्री का नहीं होता, बच्चा बच्ची लड़का लड़की सबका होता है, भयंकर होता है।
हेल्थी इश्यूज, ये हमको नहीं बताया। आप सुनिए, अब ये कह रहा है, बल्कि इस विषय को हम बाद में लाएंगे, मेना एक नया झंझट आ रहा है। मेना, MENA, मेना क्या है? मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, मोटा मोटी ग्रेटर इजराइल। ग्रेटर इजराइल क्या है? फ्रॉम नाइल इन अफ्रीका टू दजला फरात इन एशिया। मेना, अब इस पर आते हैं बात। चाइना वाला मैंने थोड़ा सा बता दिया, समय थोड़ा सा कम है। एक और बता देते हैं, एक एर्दोगान सज्जन है, तुर्की के खलीफा बनना चाहते हैं उसमें लगता है जी, एर्दोगान। आप उसमें खुल के बताइए, समय है करके। समय हाँ, है? अच्छा, खुल के बताइए। ठीक तो ठीक, जरा एर्दोगान महोदय की कहानी सुना देते हैं। है, अब ये एर्दोगान महोदय का ये कहना है कि भाई हम लोग तो खलीफा थे, हम टर्की वाले थे। ये पता नहीं कहाँ से कमाल मुस्तफा आ गया, कमाल मुस्तफा ही शायद नाम था, वो यंग टर्क, तो ये खिलाफत तोड़ दिया। कोई बात नहीं, हम फिर से खिलाफत कायम करेंगे। तो पेज 84, द एमरजेंस ऑफ प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगान इन तुर्की, लाइक अदर टर्किश लीडर्स विद द ऑब्सेशन ऑफ रिवाइविंग द ओटोमन एम्पायर, जिसको अकबर जलालुद्दीन अकबर सलाम करता था, कुर्निश करता, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सलाम हजूर, सलाम हजूर, ये भारत वालों को नहीं पता है। तो ये जो एर्दोगान महोदय है, ये कौन है? टर्की, तुरुस्क, कामधेनु की बिटिया रानी नंदिनी गुसिया के तुरुस्क लोगों को पैदा कर दी थी। किससे गुसियाई थी? विश्वामित्र जी से। तो मामला क्या था? भारत के घर का मामला था। तो अब ये एर्दोगान महोदय ओटोमन तुरुस्क एम्पायर खड़ा करेंगे, क्यों करेंगे? सेटिंग अप अ क्लैश विद अरब नेशनलिज्म। लो भैया, हम लोग तो यहाँ सोचते, अरे बाप रे, खिलाफत आ रही है टर्की की, बहुत खतरा है। नहीं भैया, खतरा नहीं है, जय विजय का युद्ध हो रहा है, शुंभ निशुंभ का युद्ध हो रहा है। अब शुंभ निशुंभ के ये सब पैर के कामी उंगली के, छुटकी उंगली के, नाखून के बैल है, फिर भी शुंभ निशुंभ कहने से बात समझ में आती है। तो एर्दोगान महोदय का अगर खिलाफत, गांधी जी, खलीफात मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट बना दिया। गांधी जी को भी बड़ी चिंता थी, खलीफा को जाना नहीं चाहिए, लेकिन अब की बार खलीफा आया तो अरब जाएंगे। अरब को विदा करने के लिए खलीफा तुर्की के पीठ पर हाथ फेरता है। कौन फेरता है? सोवियत रूस फेरता है, चीन फेरता है, हम लोग को अभी पता चलेगा अमेरिका भी हाथ, अमेरिका जिसको मारना है उसके भी हाथ फेरता है, और जिससे पिटवाना है उसके भी हाथ फेरता है, दोनों के हाथ फेरता है। और फेरना ही चाहिए, यही डिप्लोमेसी कही जाती है। तो अब ये इनका जो खिलाफत का मामला है, तो इनका ये कहना है एर्दोगान महोदय का, न्यू ओटोमन सुल्तान स्टेटिंग दैट एम्पायर्स प्रॉपर्टीज लाई इन ऑल द लैंड्स दैट द ओटोमन्स रीच्ड एंड दैट दीज प्रॉपर्टीज बिलोंग टू टर्की। मोदी जी को कहना चाहिए, नंदिनी के सुपुत्र जहां जहां पहुंचे, कौन कौन नंदिनी के सुपुत्र? बालिक, पहलो, तुरुस्क, दरद, काम्बोज और भी बहुत सारे, ये जहां जहां पहुंचे ये सब लैंड भरत भूमि है। वैसे हमारे आदित्य सत्संगी जी ने ओरिजिनल एटलस लिख के तो साक्ष्य सब दे ही दिया कि सबका सब भरत भूमि है, और ये सत्तोलॉजी पर कभी ये पुराण, कभी वो पुराण, नीलेशोक जी, कभी ये महाभारत,
कभी रामायण से बताते रहते हैं समस्त धरा क्या है, विष्णु बल्लभा है, सनातनियों की कर्म भूमि है, भोग भूमि है, भक्ति भूमि है, साधना भूमि, बैठे हुए हैं सज्जन भोला सा मुख लेके, ये लगातार बताते रहते हैं। एनीवे, तो मोदी जी को और एस जयशंकर को बहुत सूट करेगा इनका ओरिजिनल एटलस, मंगा के पढ़ ले। फिर कोई आपको जिंगोइस्ट नहीं कह पाएगा, आप कहेंगे देखो भाई हमारा आदित्य सत्संगी तुम्हारे यहाँ बैठा हुआ है, तुम्हारी टेक्नोलॉजी से गूगल अर्थ से सारे क्लेम बता रहा है, हम बेचारे क्या करें, हमारे ऊपर तो करना ही पड़ेगा, भरत भूमि की रक्षा के लिए भारत सेना जाएगी ही। तो आदित्य जी आप धन्य हो, अब थोड़ा सा हम और बता रहे हैं, आप लोग मुस्कुरा मुस्कुरा के क्या क्या काम कर देते हैं। आपकी पुस्तक पर मुझे एक बार आपके साथ समीक्षा करने का मन है, अगर आपकी अनुमति अरे हो तो। इसको लाइव शो करते हैं अगले हफ्ते, हाँ, लाइव आपके शो। साथ, हाँ ठीक है, हाँ, चलिए कि ये भोले मुख से लोग ज्यादा बहके नहीं, जो वास्तव में हरि भक्त होते हैं वो बड़ा बड़ा काम करते हैं। एनीवे, जल्दी जल्दी, तो इसको जब 6 पन्ना हम पढ़ रहे थे, पढ़ पढ़ के मेरा खून बढ़ रहा था कि छड़ी तो मेरे को सैकड़ों पन्ने छाटती हूँ 1 घंटे के टॉक के लिए, आज मुझे ज्यादा नहीं काम करना पड़ा। देखिए कितने पिन लगाई हूँ मैं, एक एक लाइन में सब दिया हुआ है, बहुत काम का मतलब। तो अब ये जो एर्दोगान महोदय है, ओटोमन एम्पायर है, खलीफा आ रहे हैं, तो ये खलीफा आने से क्या होगा, ड्राउनिंग द अरब रीजन अगेन इनटू एन एरा ऑफ डार्कनेस। अरे हम लोग को तो पता ही नहीं था कि पैगंबर साहब के आने के बाद भी अरब लोग एरा ऑफ डार्कनेस में थे। हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हम लोगों को बताता था हिंदू लोग अंधेरे में थे, ये तो कह रहा है कि वो फिर बेचारा डार्कनेस में चला जाए। तो मैं अपने संगी भ्राताओं से, भगनिया तो है नहीं, भ्राताओं से निवेदन करूंगी थोड़ा दुनिया के बारे में जानिए, कम से कम अपने मित्रों के बारे में, अपने शत्रुओं के बारे में, या कम से कम उनके बारे में जिनका डीएनए एक है, थोड़ा तो जांच परख कर लीजिए, एकदम अनभिज्ञ रहना प्रेम का सूचक नहीं है। तो अब केवल एक, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, अप्रोक्सीमेटली 1,71,400 टेररिस्ट फ्रॉम 83 नेशनलिटीज वर स्मगल्ड इनटू सीरिया थ्रू टर्की। टर्की का एर्दोगान खलीफा ओटोमन एम्पायर, 1,71,400 टेररिस्ट फ्रॉम 83 नेशनलिटीज वर स्मगल्ड इनटू सीरिया थ्रू टर्की आफ्टर ट्रेनिंग, ब्रेन वॉशिंग एंड फुल्ली इक्विपिंग देम। हु इज फुल्ली इक्विपिंग देम? स्टेट अथॉरिटीज। ओवर 51,910 यूनाइटेड नेशंस डाटा, टेररिस्ट वर एलिमिनेटेड बाय सीरियन अरब आर्मी, एक ने घुसाया एक ने मर, एंड 33,847 फ्लेड, एंड मोर देन 55,000 टेररिस्ट आर स्टिल लैंग्विशिंग इन द नॉर्दर्न सिटी ऑफ इदलिब इन सीरिया अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ टर्की। भाई वो क्या रहा है, अल्लाह ताला इतना भीषण नाराज, इतेल ना हुआ ससुरा, जी का बवाल हो गया,
ये तो इजराइल से बड़ा भी गले का फांसी हो गया। अब टेररिज्म हैज बीन यूज्ड एज ए टूल टू अचीव पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। टेररिज्म इज अ टूल टू अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, नॉट ओनली बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बाय सोवियत रशिया, बाय चाइना, एंड व्हाई नॉट बाय इंडिया। क्या कहते हैं ना, सठे साठ्यम समाचरेत, शास्त्रों का वाक्य है। अब थोड़ा सा हम वो नेमा मेना क्या है उसके बारे में बता दें। वाना वाना वे हम मेना बोल गए थे, वाना है वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, ये नया बना है। ये मैंने बड़े विस्तार में रॉबर्ट कापलान में पढ़ा, लेकिन रॉबर्ट कापलान ने वाना का जिक्र नहीं किया। क्यों? ये अमेरिकन है। ये कौन है जिसका लेख मैं पढ़ रही हूँ? ये है अरब लिखने वाला, कहाँ, दुबई में, और क्या क्या मैंने पढ़ के बताया था, मैंने क्या क्या बताया, दिख किया तो फिर बता देती हूँ। दुबई में काम, चैनल में काम करता है, कुवैत, ओमान, दमस्कस। तो ये क्या बता रहे हैं, फ्रॉम अरब्स व्यू पॉइंट ये लिख रहे हैं। तो ये बता रहे हैं वाना, द कंटेम्प्ररी वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका ऑर्डर इज स्टैंडिंग एट एन इम्पॉर्टेंट जंक्शन। पहले मेना दिया था, मुझे ध्यान आ रहा है, एक मिनट में देख लेना। हाँ, पहले मेना था, न्यू मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका ऑर्डर। तो मेना वाना मोटा मोटी एक ही चीज है, कारण जो उनका मिडिल ईस्ट है, किसका, यूरोप, अमेरिका का, वो भारत का क्या है, वेस्ट एशिया है। उनका मिडिल ईस्ट एशिया है, हमारा वेस्ट एशिया है। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, पहले कहा न्यू मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका ऑर्डर, अब कह रहा है नहीं नहीं, ये भी वही है, और ये है वेस्ट एशिया। मेना और वाना का फर्क, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, ये दोनों एक ही बात हुआ। जो वेस्ट एशिया है भारत की दृष्टि से या एशिया वालों की दृष्टि से, वो उनके हिसाब से मिडिल ईस्ट है। तो अब क्या है, इसको मैं बहुत संक्षेप में बता रही हूं, द वाना रीजन इज नो लॉन्गर अ प्रायोरिटी फॉर द यूएसए, बट इट इज फॉर चाइना। चाइना का भी रुचि है और अमेरिका का भी रुचि है। ये कौन बता रहा है, जो अरेबियन इंटरेस्ट से लेख लिख रहा है। क्या ये जो क्षेत्र है, अभी तक तो हम अरबी क्षेत्र पढ़ते थे, जिस अरबी क्षेत्र में टर्की नहीं था, जिस अरबी क्षेत्र में ईरान नहीं था, जिस अरबी क्षेत्र में पाकिस्तान नहीं था, अब अफ्रीका आ रहा है। द पॉलिटिकल सिक्योरिटी इज लेफ्ट टू द इजराइलीज एंड रीजनल प्लेयर्स टू डील विद इट। क्रक्स, इंडियन ओशन से अमेरिकन फ्लीट प्रेजेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, हिंद महासागर से अमेरिका की नौसेना की उपस्थिति धीरे धीरे कम हो रही है, और भारतीय नौसेना की उपस्थिति बढ़ती जा रही है चाइनीज उपस्थिति को हैंडल करने के लिए, कंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए। अभी यमन में ईरान वाले, ईरान सपोर्टेड हूतियों के उपद्रव को भारतीय नौसेना ने संभाला है। अमेरिका अपना काम रीजनल प्लेयर्स को छोड़ रहा है।
भाई लोग क्या बताएंगे हमको, अमेरिका पीछे जा रहा है। अरे पीछे जा रहा है कि कह रहा है भैया तेरा काम तू सामान मेरा पेट्रोल, हम ले जाएंगे। और अभी एक बात तो हम कर ही नहीं पाए, टाइम खत्म हो रहा है, कि अमेरिका के पास इतना पेट्रोल है कि रशिया का एम्बार्गो लगा के इन सबों का, मिडिल ईस्ट वालों का तेल का लगातार प्रोडक्शन कम होने के बावजूद तेल का दाम बढ़ने नहीं दिया, तेल का दाम घट रहा है। क्यों? अमेरिकन सप्लाई बढ़ गई। अब लार्जेस्ट है या क्या है, बहुत पुराना मुझे याद है, अमेरिका के पास विशाल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास विशाल तेल का भंडार है, जिसका वो प्रोडक्शन तब करता है जब स्ट्रेटेजिकली उसको आवश्यकता है। तो 5-7 मिनट और बचा है, हम फटाफट समेट रहे हैं बात को। सार ये है बिना किताब को पढ़े उन्हें, जो पहले भाषण में मैंने कहा कि अरब खरब सात दफा, इसकी जगह इसको लाया ही कौन था अरब खरब को, 1920 1932 में काफिर इंग्लैंड और फ्रांस लाए थे। क्यों लाए थे? दो तीन कारण बताया था मैंने। मुख्य कारण जर्मनी से निपटने के लिए, सी लेन को साफ रखने के लिए, तेल के लिए, और जूस की जर्मनी के खिलाफ सहायता लेने के लिए, इनका होमलैंड बनाने के लिए। चार पर चर्चा है, छोटा मोटा और बहुत सा कारण है। इसके लिए जो काम किया वो पुनः 100 साल के भीतर इनके विदाई का काम होने जा रहा है। और इसी का पहचान है वो MBS जिसको कहते हैं, मोहम्मद बिन सलमान, यही नाम है शायद, इनको लीडर बनाकर खड़ा कर दिया। पुनः विषय तेल है, तेल पर कंट्रोल, और इस तेल के कारण इस ये अरब, ईरान, इराक, जो नन्हे नन्हे नेशन स्टेट खड़े किए, ये तो जा ही रहे हैं, इनके साथ इस्लाम भी जा रहा है। बल्कि ये कहना भी गलत होगा, असलियत ये है कि इस्लाम की विदाई तो इन कन्वर्टेड लोगों ने कर दिया, और इन कन्वर्टेड लोगों के नकली इस्लाम को हवा बनाकर दुनिया में प्रचारित किया किसने? अमेरिका ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, रूस ने, और करना भी चाहिए। अपने शत्रु को मारने के लिए जो कुछ आवश्यक है वो सब किया ही जाता है, दुनिया ही करती है, इन्होंने भी किया और ठीक से किया और अच्छी तरह किया। तो जो हम लोग का मूल विषय है इस्लाम समाप्ति की ओर, उसका ये तीसरा एपिसोड था। पहला था उनके इंटरनल डिवीजन, सेक्टेरियनिज्म, फैक्शनलिज्म, तीन मैंने बताए थे, ट्राइबलिज्म का जो बवाल था वो किस प्रकार सुनामी बन गया है, दूसरा था इजराइल, इनके गले की फांसी है, और तीसरा है तेल, जो अल्लाह ताला का कहर है, और चौथा जो हम बात करने जा रहे हैं, जो केवल इस क्षेत्र के लिए नहीं लागू होगा, जो इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर के लिए अप्लीकेबल होगा, ये जो इतने इतने से स्टेट हैं, ये इतने बड़े स्टेट कितना भयंकर नागपाश है उस तथा कथित आर्टिफिशियल स्टेट के सिटीजन्स के लिए। और ये इतने इतने स्टेट खड़े किए गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को कंटेन करने के लिए, किनके द्वारा? यूरोपियंस के द्वारा, जिनको बाइबल ने कोई स्टेट क्राफ्ट नहीं सिखाया था। बाइबल ने केवल नोचना, काटना, सर्वभक्षीपन सिखाया था। राज्य करना तो सनातनियों को आता है, विष्णु के भक्तों को आता है, शिव के आराधकों को आता है, ब्रह्मा के पुत्रों को और पुत्रियों को आता है। तो चौथा एपिसोड बताएंगे कि ये कैसे इस्लाम की विदाई का महत्वपूर्ण कारण बन चुका है। अब तो मामला सलटा हुआ है, सूक्ष्म में सलट चुका है, स्थूल में दिखाई देना
बाकी है, अनाउंस होना बाकी है मोदी जी का 2024 400 के पार। सूक्ष्म में घटित हो गया है, मई में रिजल्ट सुनाएगा इलेक्शन कमीशन। जी आदित्य जी, एक्चुअली ये जो अभी ये जो चल रहा है, जो दिख रहा है हम लोगों को, जो सब चल रहा है इधर उधर, एक क्वेश्चन आता है लोगों का कि इस्लाम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, उसके ऊपर तो वो डेटा ही पूरा फोर्ज्ड है, फोर्ज्ड है। और काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं दोनों वीडियोस पे, इस्लाम फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, लेकिन ये भी प्रोपेगेंडा वेस्ट का ही है। मुनाफिकी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। इस्लाम का कब्र खोदने वाले मुशरिक और मुनाफिकीन फास्टेस्ट। आंकड़ा देता है यूरोप और करेक्ट, अमेरिका इनका कत्ल करने के। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं यूरोप अमेरिका के स्टेट्समैन। बहुत दिमाग से खेलते हैं वो लोग, बहुत लंबा स्ट्रेटेजी लगाते हैं। तो अधर में करना ही चाहिए भाई, ऐसे ही करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ऐसे ही और करना चाहिए, यही तरीका है यही तरीका है। जी। थैंक यू वेरी फास्टेस्ट मच। वो है हाँ वो एक्चुअली उनका वो एक्चुअली वो चाणक्य नीति को एक्चुअली फॉलो करते हैं, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, चाणक्य भी बताते हैं डिवाइड डिवाइड डिवाइड। हम लोग कुछ ज्यादा ही अपने सद्गुण के प्रभाव में फंस जाते हैं, है ना, कि हमको इससे हम इससे आगे नहीं जाएंगे, ऐसा हम बोलते हैं बार बार। मुझे जो लगता है, गलत सीट पर गलत आदमी का बैठना भाई। करेक्ट, स्टेट पर वो नेहरू एंड कंपनी का कब्जा हो गया ना, वो सब सदगुणी थोड़े थे, लफंगे थे उनमें से अधिकांश। तो सदगुण के कारण थोड़ी देश में गड़बड़ी फैली हुई है। गड़बड़ी फैली हुई है, लफंगे वहां बैठे हैं जहां जितेंद्रिय को बैठना। बिल्कुल। इसको इसको सद्गुण विकृति भी बोलते हैं, सद्गुण विकृति, ये इसको दुरुपयोग कर रहे हैं। इसको सद्गुण नहीं बोला जाता है, इसको तो बोला जाता है तमोगुण, ये एक्चुअली में तमोगुण। तमोगुणी बैठ गए हैं जहां राजसिक लोगों को बैठना बैठना था। चाहिए, बदल, एक राजा आया है राजसिक गुण वाला, ये उनसे बहुत बड़ी खोपड़ी है। ईसा इंग्लैंड फ्रांस अमेरिका से बड़ी खोपड़ी है, सनातन धर्मी है ना। हम लोगों ने जब यूरोप का इतिहास कवर किया था तब एक चीज आपने बड़ी अच्छी बोली थी कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ये सभी दुनिया में फसाद की जड़ है, सबकी सब फसाद की जड़, सारे फसाद की जड़ है ये। एक्चुअली फसाद जो शब्द है अरेबिक शब्द है और अभी इंग्लिश डिक्शनरी में आ चुका है, तो इंग्लिश वर्ड भी है फसाद। फसादिये है सब, बहुत बड़े फसादिये है, बवालिये है, फसादिये। फसाद है, दूसरों को फंसा भी देते हैं फसाद। हमारे दादाजी थे, जितने फसादिये आते थे बोलते तो वही खड़े रहो दादाजी, सुतली की खटिया पर बैठे रहते थे और सड़क के किनारे फंसा दिए खड़े रहते थे, उनको घर में एंट्री नहीं होती थी। और एक्चुअली ये सब ब्यूरोक्रेट के रूप में सब घरों में घुसे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, और दर्शकों को प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, लोगों को बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पूरी सीरीज को देखें ध्यान से, और इसको आप 10 बार देखिए, नोट्स बनाइए बुक्स का पिक्चर से। आज थोड़ा वीडियो क्वालिटी भी अच्छा रहेगा पहले से, एंड देन यू विल सी दैट, एंड नोट्स बना के मुझे बताइए, कमेंट में अपडेट करिए कि आप पढ़ रहे हैं, बिकॉज सब कुछ हम लोग इतना बोलते हैं। कल ही मैंने मैप पे शो किया किस तरह मैप्स को देखना चाहिए ताकि आपको पता लगे कि किस तरह आप शास्त्रों के द्वारा दुनिया के मैप को देखें, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा तो आपको संध्या का समय भी समझ में नहीं आएगा, सूर्य का समय समझ में नहीं आएगा। और एक और मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं कि अगर आप मेरे जो भी वीडियोस देखते हैं, मैं फ्लैट अर्थ थ्योरी में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, मैं सिर्फ पुराणों और वेदों में लिखे हुए भूगोल को मानता हूँ, जो लिखा हुआ वो आजकल के मॉडर्न साइंटिस्ट पे भी मैं जाऊंगा नहीं, और ओरिजिनल एटलस में मैंने उसको क्लैरिफाई भी किया, लास्ट जो चैप्टर्स उसी के ऊपर बेस्ड है, लोग देख के सीख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और नया पुस्तक आ गया है कुसुमलता जी, वो उसका मैं आपको भेजने वाला हूँ पुस्तक, जी तो आप उसमें टिप्पणी कुछ करिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, जय जगन्नाथ।
नमस्कार।